पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली के वैशाली स्थित मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुरादाबाद के 50 वर्षीय मरीज भानु प्रताप के सीने से सफलतापूर्वक सिस्ट और कैविटी निकालकर उसकी जान बचा ली। मरीज के दाहिने सीने में 1997 से मवाद जमा था, जबकि उन्हें एनपीटीबी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया जा चुका था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ सीने में लगातार दर्द हो रहा था। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेंसिक एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद जिंदल के नेतृत्व में टीम ने संपूर्ण जांच के बाद मवाद वाला हिस्सा निकालने का फैसला किया। मरीज की ये सफल सर्जरी रही। मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल, लंग और फेफड़ों का सर्जन हूँ। इस मुरादाबाद संभाग और इसके आसपास के जिलों में फेफड़ों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमने कोविड के बाद देखा है कि फेफड़ों की और फेफड़ों की सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो लंग कैंसर के लिए हो, टीबी के लिए हो या उसकी किसी और प्रॉब्लम के लिए हो, लंग्स की सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूरबीन से, रोबोटिक्स या किसी और तरीके से हमें इसकी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज हमारे पास भानु प्रताप जी हैं, जो कि तकरीबन 10 या 12 सालों से पस, फेफड़ों के अंदर पस और खराब होने के कारण दुख झेल रहे थे। उसको हमने तरीके से पूरी मशक्कत लगा के उस पूरे पस और उसके एरिया को साफ कर दिया, लंग को पूरी तरह से बचा लिया और इस वजह से आज ये एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं। थाना मुंडापाणी, जनपद मोरादाबाद, यूपी से। तो आपको क्या बीमारी थी? सर मैं बिल्कुल स्वस्थ रहता था। वर्ष 1997 में मेरे फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ पे गांठ बन गई और वो गांठ बढ़ती चली गई और मैं तभी से इलाज कराता रहा मेरठ आनंद हॉस्पिटल। वहाँ के जो सर्जन हैं और फिजिशियन हैं उनके द्वारा इलाज चलता रहा। कितने डॉक्टर बदल दिया आपने? मैंने सर करीब जिंदल साहब मेरे जीवन में करीब 18 डॉक्टर जी। तो ये मैक्स का कैसे पता चला आपको, मैक्स में मेरा सर नाम सुना था। जब मैं मेरठ एडमिट था तो मैं अपने साथियों को फ़ोन करता था दिल्ली और ये, तो फिर मुझे KMC कैंसर हॉस्पिटल मेरठ भेज दिया था। उसके बाद में मुझे दिक्कत हुई तो फिर वहाँ पे जो फोर्टिस है नोएडा सेक्टर 62 में वहाँ भेज दिया। वहाँ वो लोग 4 दिन तक मुझे आराम नहीं मिला तो पुनः मैं फिर वापस मेरठ आ गया। वहाँ मेरे 2 ऑपरेशन हुए, पस निकाला गया लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से वहाँ पे वैशाली फटफड़गंज पहुँचा, गाजियाबाद। डॉक्टर साहब से बात हुई, उस समय विदेश में थे तो फ़ोन से मेरी बात हुई थी। उन्होंने सारा हाल चाल जाना, वर्ष 1997 से 2021 तक मैंने सब कुछ बताया। फिर डॉक्टर साहब ने ही मेरा ऑपरेशन किया। काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है या छाती। क्या नाम है डॉक्टर का जिन्होंने ऑपरेशन किया? आदरणीय प्रमोद जिंदल साहब हैं और ये लंग्स के कैंसर के और उसके ट्यूमर के एक सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब कैसा रिलीव कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके बीच और आप सबको पाकर बेहद खुश हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।